हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन ट्रांजिशन कर्व लाइन। अब अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है अ 5 डिग्री कर्व हैविंग अ स्पीड ऑफ 56 km/h डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एज्यूमिंग द ट्रैक टू बी मीटर गेज। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका एक मीटर गेज का ट्रैक है और इसमें बस हमने एक चीज पता है, क्या पता है कि जो भी हमारा मेन कर्व है ना, तो यहाँ पे यहाँ हमारा मेन कर्व है और इसका कुछ डायमीटर है, मतलब डिग्री है जहां से वो कर्व कर, और कितनी डिग्री से कर्व है इसका, कर्विंग स्टार्ट है आपका 5 डिग्री से, बस इतना दिया हुआ है। दूसरा चीज दिया है कि ये कैसा है आपका मीटर गेज का क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पे आपको बहुत लिमिटेड डेटा हो तो इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाता है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें डी दिया हुआ। अब इसमें मान लीजिए वो कहता है कि ऑल्सो डिटरमाइन द कर्व लेंथ फॉर द ट्रांजिशन कर्व एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रेडियस फॉर द ट्रांजिशन कर्व। अगर यहां पर रेडियस का भी बात करते हैं कि रेडियस भी फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे रेडियस फाइंड, क्योंकि हमें रेडियस भी पता होनी चाहिए। अगर रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है 1.1718 अपॉन डी, जो भी हमारा मेन आपका यहाँ पे जो मेन कर्व का डाया जितना भी आपका डिग्री आ रहा है इसी को हम यूज करेंगे ट्रांजिशन कर्व के लिए, क्योंकि डिग्री कभी भी चेंज, रेडियस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, डिग्री चेंज है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.7718 अपॉन डी। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, एंड आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 343.6। अब नेक्स्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मीटर गेज के लिए आपको फाइंड आउट करना है ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। अब यहाँ पे उसने सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, ना ही उसने यहाँ पे कोई कैंट डेफिशिएंसी की बात करी है, तो फिर इसको क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एल टी किसके अकॉर्डिंग देखते थे, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका कर्व आता था, है ना। तो ग्रेडियंट कर्व जो भी आता था उसके अकॉर्डिंग देखते थे, अगर नहीं दिया होता था तो 1:720 ले लेते थे। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम 1:720 देखते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वट एवर द वैल्यू ऑफ योर कर्व इज कमिंग, तो ये हो जाएगा 7.20 × e। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे e का वैल्यू हमें पता नहीं है ना, सुपर एलिवेशन e, दैट मीन सुपर एलिवेशन ई का वैल्यू हमें दिया है क्या, नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इससे हम इसके थ्रू वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ये वाला क्लॉज तो हट गया, है ना। अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, ई के वैल्यू हम अपने मन से एज्यूम नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं एल टी, ये क्या देखना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर वट एवर द रेट ऑफ चेंज इन सुपर एलिवेशन, तो यहाँ पर According to rate of change of super elevation। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमने हमने क्या करा, यहाँ पे एल टी का वैल्यू निकाल लिया, कितना निकाल लिया हमारा एल टी का वैल्यू, ये आ जाएगा 0.073 डी इंटू वी मैक्स। अब यहाँ पे डी का वैल्यू हमें पता है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मीटर गेज की बात कर रहे हैं, तो मीटर गेज के लिए आपका डी का वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका डी का वैल्यू कितना हो जाता है 5.1 हो जाता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू 0.073 × what इज द वैल्यू इज कमिंग 5.1 × vmax। vmax अभी कितना दिया हुआ है हमारा, vmax का वैल्यू दिया है 56 km/h। और यहां से आपका एक कैलकुलेटेड लेंथ का वैल्यू आएगा एल टी का, जो कि कितना आएगा 20.84 मीटर।
अब देखो जनरली केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारा आंसर मान लेते हैं, बट अगर आपके पास बाकी का डेटा है तो आप सुपर एलिवेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अगर हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे सुपर एलिवेशन? सुपर एलिवेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको जरूरत होती है जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, है ना। अगर मैं यहाँ पे जी का वैल्यू देखूं तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि ये मीटर गेज है तो जी का वैल्यू 1.0 हो जाएगा। वी स्क्वायर देखे तो वी स्क्वायर कितना है आपका, 56 इंटू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा अपॉन 127। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर आर? योर वैल्यू ऑफ योर आर इज कमिंग समथिंग अबाउट 343.6। एंड नाउ द वैल्यू ऑफ योर सुपर एलिवेशन इज कमिंग फ्रॉम हियर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सुपर एलिवेशन की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा सुपर एलिवेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे सुपर एलिवेशन की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग अबाउट 7.1 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, इसको मीटर में आ रही है इसलिए इंटू 100 कर देना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो अब हमने यहां से सुपर एलिवेशन का अगर वैल्यू निकाल लिया, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो हमें क्या आ जाएगा, एक और वैल्यू आ जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। एल टी का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, एल टी विच इज इक्वल टू 7.20 इंटू ई, और अभी जो हमने ई का वैल्यू निकाला है इसको यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.20 इंटू द वैल्यू ऑफ ई इज 7.1 एंड योर वैल्यू इज कमिंग समथिंग अबाउट 51.74। अगर आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, अब ये तो इतना हमने कर लिया, इसके बाद हम एक और थर्ड पॉइंट भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन देखा था, अभी हम क्या देखेंगे, एल टी अकॉर्डिंग टू सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन उसके खुद के कारण कितना आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कितना हो जाएगा आपका, 0.073 एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय योर ई एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी मैक्स इज कमिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.073 इंटू ई। नाउ द वैल्यू ऑफ ई इज 7.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.1 सेंटीमीटर इंटू वी मैक्स। द वैल्यू ऑफ वी मैक्स इज कमिंग, इट वॉज गिवन इन योर क्वेश्चन एंड इट इज 56। सो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ 56 एंड एल टी, द वैल्यू ऑफ एल टी इज कमिंग समथिंग अबाउट 29.024 मीटर, है ना। तो अभी हमारे क्वेश्चन में उनने क्या करा, थोड़ा सा सर्टेन चेंज कर दिया कि कैंट एयर एफिशिएंसी नहीं दी। अगर कैंट एयर एफिशिएंसी नहीं दी है तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, सुपर एलिवेशन का यूज करके सुपर एलिवेशन के फॉर्मूले से यहां से हम ई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्दर हम देखें तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। मैक्सिमम वैल्यू देखिए कौन सी वैल्यू लिखनी है हमको, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 51.74। नेक्स्ट आपका कितना आ रहा है, 20.84, और उसके बाद जो हमने थर्ड वन कैलकुलेट करा था वो कितना आ रहा है, 29.04। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, 51 दिख रही है, तो ये आ जाएगा 51.74 मीटर। अगर आपको कन्वेंशनली नहीं जाना है और एक फास्ट कैलकुलेशन करना है तो अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो भी आपका आंसर हमेशा मैक्सिमम टाइम करेक्ट आएगा, तो एक बार इसके लिए चेक कर लीजिएगा, और जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो इसके लिए चेक कर लीजिएगा थर्ड पॉइंट के लिए। तो इन दोनों को चेक करने से आपको मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।